नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पिछली 20 दिसंबर 2019 की शाम करीब 6 बजे जनपद ललितपुर के तालबहट में पूरा कला तिराहे पर स्थित जेके पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 6 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की नोक पर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था। उक्त घटना का मामला कोतवाली तालबहट में पंजीकृत किया गया था तथा लूट की घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी कर जांच प्रारंभ कर दी गई थी। उक्त मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। उक्त घटना के 6 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार करने में सोमवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सोमवार को लूट की घटना का खुलासा करते हुए जनपद ललितपुर के पुलिस अधीक्षक कैप्टन मिर्जा मंजर बेग ने बताया कि उक्त लूट की वारदात के खुलासे के लिए तालबहट व बानपुर पुलिस बल समेत स्वाट टीम व सर्विलांस टीम को लगाया गया था। उन्होंने बताया कि रविवार को प्रभारी निरीक्षक तालबहट व थाना बानपुर व प्रभारी स्वाट टीम और प्रभारी सर्विलांस अपने हमराइयों के साथ गश्त पर थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि तालबहट के जेके पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सिद्ध बाबा मंदिर के आगे ग्राम बोलाई जखौरा की तरफ रोड से हटकर अपनी गाड़ियों को खड़ा करके बैठे हैं, जो किसी अपराध की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बताए गए स्थान पर जाकर घेराबंदी की तो बदमाशों ने भागने के प्रयास में पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए 6 बदमाशों को धर दबोचा। पूछताछ करने पर बदमाशों ने जुर्म का इकबाल करते हुए अपने अपने नाम हिंदू राजा बुंदेला पुत्र छत्रसाल निवासी ग्राम टोड़ा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश जगदीश पटेल पुत्र देवी दीन पटेल ग्राम बेला थाना पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश रणबीर उर्फ भगोले पुत्र ब्रजेंद्र सिंह निवासी ग्राम कडराना थाना चंदेरी जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश रानू प्रजापति पुत्र खेमचंद निवासी चीकाबाग थाना कोतवाली ललितपुर कृष्णपाल सिंह पुत्र रविंद्र बुंदेला निवासी AVM स्कूल के पास पिसरानी थाना कोतवाली ललितपुर और गोलू प्रजापति पुत्र हरिराम प्रजापति निवासी चौकबाग थाना कोतवाली ललितपुर बताए। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध तमंचों समेत भारी मात्रा में जिंदा कारतूस व पेट्रोल पंप पर की गई लूट के 1,70,800 रुपये में से बचे हुए 1,41,930 रुपये समेत मारुति कार समेत 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। उक्त घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक ललितपुर कैप्टन मिर्जा मंजर वेग द्वारा 25,000 रुपये तथा पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी द्वारा 30,000 रुपये की नगद राशि से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। आइए देखते हैं पूरा मामला नवोदय प्लस टाइम्स पर तालबहट से मुकेश रजक की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं नासिर मीडिया ललितपुर से मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 तारीख को तालबहट क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी, जिसमें पुलिस ने आज खुलासा किया जिसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 5-6 मोटरसाइकिल और एक फोर व्हीलर गिरफ्तार। थाना अंतर्गत तालबहट एक पेट्रोल पंप से लूट हुई थी, जिसमें पैसे लूटे गए थे और जाते वक्त बदमाश DVR जो होता है CCTV का, जिसमें डाटा स्टोर होता है, उसको भी ले गए थे साथ। इसमें कल हमारी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी और एक जगह पे ऐसी सूचना मिली कि कुछ बदमाश इकट्ठे हैं जो कोई योजना बना रहे हैं फर्दर अपराध करने के लिए। इस सूचना पे हमारी टीम ने घेराबंदी करी और वहाँ जाके जब दबिश दी तो उसमें 6 बदमाश ये पकड़े गए। इनके नाम जो मैं बता रहा हूँ, ये इंदू राजा बुंदेला, ये चंदेरी का रहने वाला है जो ज़िला अशोकनगर मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है जगदीश पटेल, ये रहने वाला टीकमगढ़ का है जो मध्य प्रदेश में होता है। तीसरा है रणवीर सिंह भगेले, ये भी चंदेरी अशोकनगर का रहने वाला है। इसके साथ 3 लोग जो हमारे ललितपुर के हैं, रानू प्रजापति ये कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा जो है कृष्णपाल सिंह, ये भी कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। और छठा जो मुजरिम है इसमें गोलू प्रजापति, ये भी कोतवाली क्षेत्र ललितपुर का रहने वाला है। ये 6 लोग वहाँ गिरफ्तार किए गए। इनके पास से हम लोग को ये काफ़ी CMP मिले हैं, सबके पास एक एक CMP थी और पुलिस पे इन्होंने फायर करने का प्रयास किया, पुलिस ने भी मुठभेड़ में लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ करने पे इन्होंने जो पेट्रोल पंप पे लूट हुई थी 20 दिसंबर को, उस पेट्रोल पंप को लूटने की बात स्वीकार की और इनके निशानदेही पे
जो वहाँ का DBR गया था, जो CCTV का जो डाटा स्टोरेज का डिवाइस होता है, वो भी हम लोगों ने एक जगह से पानी से बरामद किया, जो इन लोगों ने तोड़ के फेंक दिया था, ये बरामद किया गया। इसके अलावा जो धनराशि इनसे बरामद हुई है वो 1,41,930 रुपये जो धनराशि है लूटी हुई, वो भी बरामद की गई है। पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने बहुत ही गहनता से छानबीन करते हुए, टीम लगातार काम कर रही थी। इस अच्छी कार्रवाई के लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये और DIG सर की तरफ से 35,000 रुपये की घोषणा की गई है, और इसमें हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बाइक नहीं पकड़ी गई है, मोटरसाइकिल जिससे इन लोगों ने लूट की थी सर? बाइक के विषय में भी हम जानकारी कर रहे हैं, और इसमें इनके द्वारा उसी दिन एक और घटना की गई थी, लूट के बाद एक बाइक खराब हो गई थी। एक आदमी जो बाइक खड़ा करके वो कॉल ऑफ नेचर के लिए साइड में कहीं खड़ा हुआ था, उसकी बाइक भी इन्होंने ली थी। तो ये वही गैंग है, और इस तरह से इनके ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी मुकदमे भी हैं। ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, जो बरामदगी है उनके पास से, वो ये है मारुति बलेनो कार, MP की है ये, सफ़ेद रंग की। अन्य जो गाड़ियां बरामद हुई है, मोटरसाइकिल होंडा CB जो बताई गई थी, होंडा वो यूज़ हुई थी वो बरामद हुई, बजाज पल्सर जो एक यूज़ हुई थी वो बरामद हुई, यामाहा एक बाइक वो बरामद हुई, और एक मोटरसाइकिल हीरो। इस तरह से 4 मोटरसाइकिलें और 1 कार ये इनसे रिकवर हुई। साथ ही ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं, और ये 3 जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, 2 चंदेली का और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का, उनके ऊपर काफ़ी मुकदमे भी हैं, और ये 4 मुकदमे पहले से इनके पास हैं। इंदू राजा के ऊपर, रणवीर सिंह भगेले जो चंदेली का रहने वाला है इसके ऊपर भी मुकदमे हैं, और जगदीश इसके ऊपर भी काफ़ी मुकदमे हैं। 3 जो अपराधी हमारे ललितपुर के हैं, और 3 ये जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इस तरह से हम इनको इंटर स्टेट गैंग भी कह सकते हैं, जो लूट की अब वारदात करते हैं। इनके द्वारा पहले स्थान की रखी की जाती है, और ऐसे स्थान पे जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये लूट की वारदात करते हैं। सर, इनका लूट के मामले सभी हैं कि हत्या के मामले? इसमें हर प्रकार के हैं, लूट भी हैं, चोरी भी हैं, मारपीट के भी हैं, इस तरह से ये शातिर अपराधी हैं। कितने असलाह बरामद हुए? 6 असलाह बरामद हुए जैसा आपके सामने है, और ये सारी रिकवरी आपके सामने है, कैश रिकवर्ड प्लस DBR का जो हार्ड डिस्क है ये भी आपके सामने, मोबाइल वैधानिक कार्रवाई हम लोग। ठीक, थैंक यू।